सबसे पहले तो नवाज शरीफ को कटहरे में जाना चाहिए। आयन के अंदर भुट्टो को कत्ल किया गया, फैसल वावडा का अहम तरीन बयान आ गया। प्रोग्राम की मेजबान ने सवाल किया कि नवाज शरीफ ने कहा है कि जिन्होंने सियासी दहशतगर्दी की है उनका एहतसाब भी जरूरी है। फैसल वावडा ने जवाब देते हुए कहा कि फिर तो नवाज शरीफ को सबसे पहले कटहरे में पेश होना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा इक्तदार में वो रहे हैं। दूसरी बात ये कि तारीख ने बता दिया है कि जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ गलत फैसला सुनाया गया, जिसने उन्हें फांसी दी और ऑर्डर जारी किया उसका क्या होगा, हमें तो जुल्फकार अली भुट्टो जिंदा चाहिए। फैसल वावडा ने कहा कि तीन जजेस ने फैसला कर लिया कि एक आदमी ना अहल हो गया, दो जजेस ने ना अहल किया, फिर तीन और फिर पांच ने भी फैसला सुनाया, हम कब तक टेबल टेनिस खेलते रहेंगे। अदालती फैसलों की वजह से रिकॉर्डिंग मंसूबे में अरबों डॉलर का नुकसान किया गया, वो कौन भरेगा। नस्ला टावर आपने गिरा दिया, आपने ना NOC देने वालों को कुछ किया, ना आर्किटेक्ट को और ना लीडर को। अब जिसने वो ऑर्डर किया था उसकी औलाद को भी दरबदर होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर कानून तो है ही नहीं, आइन के अंदर भुट्टो को कत्ल किया गया, इसका जवाब कौन देगा। आपने कनपटी पर बंदूक रखकर अदालतें खोल के हमारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कराया।